हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो जी आप सब? आई विश सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब ठीक होंगे और आप बहुत अच्छा अपना टाइम को मैनेज कर पा रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को, अपनी फैमिली लाइफ को और ये जो टाइम लॉकडाउन का चल रहा है उसको राइट मैनेज कर पा रहे होंगे। और हमारे पास तो टाइम है ही नहीं CS के स्टूडेंट्स को, ख़ासतौर से जिनके जून में एग्ज़ाम्स हैं, वो सोचेंगे टाइम है तो टाइम ही नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी मिली है ज़्यादा पढ़ने की। अब उस पढ़ाई को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी टफ़ टाइम या टेस्टिंग टाइम, अपॉर्चुनिटी भी देगा, डिफ़िकल्टी है तो अपॉर्चुनिटी भी है, तो वो अब आपने क्रिएट की होगी आई होप। तो आज जो फ्रेंड्स मैं आपसे बात करने आया वो ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने की कोशिश है मेरी कि फेस टू फेस क्लासेस का पता नहीं कब शुरू होंगी, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, भगवान की दुआ से जल्दी से 14 को ख़त्म हो जाए, सब कंट्रोल में हो जाए। कंट्रोल में नहीं होता तो गवर्नमेंट बढ़ाएगी, एजुकेशन सेक्टर कब अलाउ करेगी, कब क्लासेस रिज्यूम करेंगी, ये सब मिजरी है, कुछ नहीं पता, ऊपर वाले के हाथ में है और सिचुएशन बताएगी क्या होगी। तो अब एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता जा रहा है, इंस्टीट्यूट ने भी बोला है पोस्टपोन नहीं करेंगे, बट कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो यही है, पढ़ना है बस। हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव कन्वर्ट करना है अपनी पढ़ाई में। अब पढ़ाई में जो भी हमारे फेस टू फेस स्टूडेंट्स थे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको तो क्लासेस जा चुकी थी, जो फेस टू फेस हैं उनको भी अब ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है और आई होप कि सबको ठीक ठाक क्लासेस मिल रही होंगी। बुक्स भी ई बुक कन्वर्ट कर दी हैं कि आपको वो भी पढ़ने में दिक्कत ना आए, अगर किसी का कोरियर रह गया था या कोई पार्ट टू किसी को नहीं मिला था बुक्स का, तो वो भी अब आपको ई बुक की फॉर्म में मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, बताना मुझे अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं आपसे बात करने आया था कि मेरे माइंड में आया कि अब ये टाइम पता नहीं चल रहा कि कब हम सेटल हो पाएंगे, प्रॉपर क्लासेस को रिज्यूम कर पाएंगे। तो तब तक एक और, जैसे ऑनलाइन का ही अब जमाना आ रहा है तो उसमें आपके साथ एक लाइव जुड़ा जाए, उसमें मेरा पर्पस ये रहेगा कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स कराए जाए जो डिफ़िकल्टी है, कंसेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत है, ख़ास तौर से सभी बच्चों के लिए। ये हमारे जो क्लासेस ले रहे हैं उनके साथ तो हम है ही हैं, तो ये एक और लार्ज स्केल पे किया जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो क्लासेस नहीं लेते थे या ले रहे थे तो उनको प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही होंगी, या अमेंडमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या अमेंडमेंट आ गई तो अमेंडमेंट का मतलब समझने में दिक्कत आ रही है। और ख़ास तौर से एग्जी के कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि पूरी पूरी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, कंसेप्चुअल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। जैसे कंपनी लॉ में तो छोटी छोटी अमेंडमेंट आई दिसंबर तक, मैंने बहुत सारी करा के भेजी थी और लेटेस्ट जो अब क्लासेस चल रही थी वो भी आप अपडेटेड हो, कोई रह भी गई होगी तो मैंने सब आपको भेज चुका हूँ अमेंडमेंट्स तो। और मैंने कुछ यूट्यूब पर भी डाली हैं, तो यूट्यूब पे बच्चों के मैं कमेंट्स देखता हूँ कि कोई कोई चैप्टर बोलता है, कोई ये क्लास बोलता है कि ये अमेंडमेंट रह गई या और करा दो हमें सर, और वो स्टूडेंट वो हैं कि जो कहीं से अमेंडमेंट नहीं ले पा रहे या मिल गई तो समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर एक्ट, इकोनॉमिक लॉज में, ओल्ड सिलेबस में CS एग्जी में, न्यू सिलेबस में भी मॉड्यूल 2 में, इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ में कंज्यूमर एक्ट पूरा का पूरा चेंज हो गया है, पूरी कंसेप्ट चेंज हो गई है, तरीका चेंज हो गया है और अराउंड 40-50 पेजेस की तो उसकी नोट्स बन रहे हैं अगर हम उसको देखने जाएँ। तो बात ये आ रही थी कि कैसे समझाए जाएँ आपको, तो जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनके पास तो क्लास चली जाएगी, तो मेरी ये कोशिश है कि बहुत लार्ज सेक्शन से जुड़ा जाए उन स्टूडेंट से जो अभी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, या अमेंडमेंट तो है बट उसका मतलब निकालना या उसको समझने में उनको दिक्कत आ रही है, और आपकी डाउट क्वेरी भी ले पाए। तो मैं एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि लाइव क्लास आपके साथ ली जाए या क्लास को लाइव प्रीमियर डाला जाए और आपके साथ इंटरेक्शन भी रहेगी। बहुत दिन हो गए आपसे बिछड़े हुए, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, हम भी आपके बिना कुछ नहीं है और बोरिंग हो रही है हमारी भी लाइफ। तो इसके लिए कल से देखो मैं एक आपको दिखाता हूँ, CS एग्जी मॉड्यूल 1 और 2 कल से एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं, और वो डिप उस इनिशिएटिव कैसे चलेगा, कब चलेगा, रोज चलेगा, कभी कभी चलेगा, किन टॉपिक का चलेगा, ये सब डिपेंड आप पे करेगा, आपकी एक्सेप्टेंस, आपके ओपिनियन, आपके सजेशंस, आपकी कमेंट्स, उन्हीं से पता चलेगा कि आप उसको कितना आगे लेना चाह रहे हो, क्या टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है। तो मैं
कोशिश करूँगा अपनी क्लासेस को लाइव सेशन या प्रीमियर की फॉर्म में, और उसमें टॉपिक लेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक CS/EXE मॉड्यूल 1 के भी और मॉड्यूल 2 के भी लॉ सब्जेक्ट्स के, कंपनी लॉ, सेटिंग अप, जर्नल लॉ, सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक कमर्शियल बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ। अमेंडमेंट्स जो रह गई हैं कुछ तो मैंने डाली ही हैं काफ़ी, और पूरे पूरे मैंने अमेंडमेंट्स के चैप्टर ही डाल दिए, इसलिए पूरी कंसेप्ट ही डाल दी कि सिर्फ छोटी सी अमेंडमेंट डाल के कोई फ़ायदा नहीं, बच्चे को समझ नहीं आता। तो मैंने कोशिश की है उस कंसेप्ट को भी इजी करने में, जैसे आपने इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम देखा होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में देखा होगा, मैंने पूरी क्लास ही डाल दी कि सो दैट आप उसको पूरा अंडरस्टैंड कर पाओ। इसी तरह से और भी जो टॉपिक्स हैं आपकी क्वेरीज और अदर टॉपिक्स जो भी आपसे रेलेवेंट है, आपके लिए ज़रूरी है, तो मेरी एक कोशिश है ये लेकर चलें, और ये इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए शुरू हो रहा है। अगर आपका सपोर्ट आएगा, आपकी तरफ से भी इंटरेस्ट आएगा, हमारा भी पैशन आएगा, तभी मैं भी टाइम दे पाऊंगा। टाइम आपका भी क्रूशल है, इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई का, और हमारा भी इम्पॉर्टेंट है। हम खाली तो नहीं बैठे, काम कर ही रहे हैं, सारी क्लासेस भी दे रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, बुक्स भी बना रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो ये एक नई स्टार्ट जो मैं करने जा रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कि वो आप कितना उसके आगे बढ़कर आते हो। आप एक कदम बढ़ोगे, मैं 4 कदम बढ़ूंगा, बट अगर आप ही नहीं बढ़ोगे तो फिर मेरे लिए भी वो पैशन नहीं रह पाएगा। तो ये एक कल का एक छोटा सा ट्रायल लेते हैं, और मैं कंज्यूमर एक्ट लेके चलता हूँ, क्योंकि ये पूरा चेंज है, और बच्चों की सबसे ज़्यादा इसी में क्वेरी आई है कि सर करा दो, ये बहुत दिक्कत आ रही है हमें, पूरा का पूरा चैप्टर ही चेंज है, और इंस्टीट्यूट ने भी डाल दिया है इसको। तो इसके लिए मैं आपको कल का टाइम देता हूँ एक ट्रायल के लिए, लेट्स ट्रायल विद स्टार्ट विद अ ट्रायल टुमारो 4 PM, 4 बजे मिलते हैं, सैटरडे है कल, 4 PM पे मैं इसकी एक क्लास 1 डालूंगा, लाइव प्रीमियर 4 बजे करूंगा। उस बेसिक क्लास को आप समझना, आपके व्यूज़ आपका इंटरेस्ट डिपेंड करेगा फिर हम आगे कैसे चलते हैं। तो बीच बीच में फिर मैं लाइव आऊँगा, आपके डाउट क्वेरी भी लूँगा, और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको भी और एक्सप्लेन करूँगा, और इजी करता चला जाऊँगा हर चैप्टर में, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा दिक्कत जिसमें आ रही होगी। तो मिलते हैं जी कल 4 बजे एक बार कंज्यूमर एक्ट की क्लास 1 को लेकर, और उसमें आपको ये समझ आएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं और कितना इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर तो मैं कह रहा हूँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट छोड़ दो, हमारी डेली लाइफ में ये रिलेट करता है ये टॉपिक। तो ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि जिसको हमें सबको ही समझना चाहिए, आपके घर में परिवार में भी ज़रूरी है, हर आदमी तो कंज्यूमर है। तो कोशिश है मेरी कि जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ आपके लिए, जितना बेटर कर सकूँ। बाकी मिलते हैं जी कल, ठीक है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपका, बाय बाय।